Saga case? आज तक हमारे खानदान में किसी औरत की इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो मर्द से तलाक का मुतालबा करे। अब भी आप अपनी बहन की तरफदारी करेंगी। तुम्हें क्या लगता है ये नोटिस तुम्हें सिद्रा ने भेजा है? इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। ये नोटिस तुम्हें इबाद भाई ने भेजा है। इबाद ने? अच्छा, मतलब इबाद अपनी बहन की तलाक कराना चाहता है, ये सीख कर आया वो बाहर से। नवीद, खबरदार अगर तुमने मेरे भाई के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो। क्यों ना बोलूं? मेरा घर तोड़ने की बात कर रहा है वो। तुम्हें घर की परवाह है? परवाह है तभी तो लड़ रहा हूं। अपनी करतूतों को तुमने देखा है? अगर तुम्हारी करतूतें ठीक होती तो नौबत यहां तक ना आती। भाभी ठीक कह रही है साइमा, जब तुम खुद बदलिहाज हो गए हो, रिश्तों का पास नहीं रखा, तो अगर दूसरा बदलिहाज हो जाए तो हम उसे टोक नहीं सकते। क्या बात, बीवी है ना आपकी, इसी की तरफदारी करेंगे? और वो आपका साला, वो तो है ही बहुत अमीर। जब भी कोई बुरा वक्त आता है आप पे, वो आपकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है, नोटों की बौछार हो जाती है। तुम्हारा भी साला वही है, लेकिन तुम शायद ये बात भूल गए। तुम क्या समझते हो ये बात भूल जाएगा? ये बात माफ कर देगा तुम्हें? यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं कि मेरा कांटा बीच में से साफ हो जाए, पत्ता साफ हो जाए मेरा, और दुकान के और घर के मालिक आप बन बैठे? इसी बात का तो अफसोस है। कभी सोचा है तुमने, अगर ये रिश्ता नहीं रहा तो क्या औकात होगी तुम्हारी, क्या जिंदगी होगी तुम्हारी? दुकान मकान जो तुम्हें चाहिए, इसमें से कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा। और ये जो जेबी के इश्क का भूत सवार है ना तुम्हारे सर पे, कंगाल हो गए तो 3 दिन में थूक के चली जाएगी तुम्हारे मुंह पे, जेबी भी और उसकी मां भी। अब भी वक्त है, मांग लो माफी बाद से। नहीं मांगनी आती मुझे माफी, और ना ही मांगूंगा मैं।